नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमआर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। राजस्थान चिकित्सा विभाग के जो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। आप सभी जानते हैं कि जो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी उनकी प्रोविजनल सूची जारी नहीं हुई है, उसको लेकर सारे अभ्यर्थी अभी भी धरने पर बैठे हैं और अपनी प्रोविजनल सूची जारी कराने की मांग कर रहे हैं। तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है, देख सकते हैं हम दोस्तों फर्स्ट इंडियन न्यूज़ की ये बड़ी अपडेट है, फार्मासिस्ट भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के दस्तावेज जाँचने के लिए टीमों का गठन, 20 से अधिक टीमों को शैक्षणिक संस्थानों में दस्तावेज जांचने का जिम्मा। पूरी खबर देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फार्मासिस्ट भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर, फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांचने के लिए टीम का गठन, 20 से अधिक टीमों को शैक्षणिक संस्थानों में दस्तावेज जांचने का जिम्मा। फिलहाल प्रदेश के संस्थानों में जाकर दस्तावेजों की होगी जांच, दूसरे चरण में अन्य राज्यों के संस्थानों की होगी जांच। तो देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले जिन अभ्यर्थियों ने राजस्थान से फार्मासिस्ट का डिग्री डिप्लोमा जो किया है उसको जांचने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। फिर इसके दूसरे चरण में जो बाहरी राज्यों से जिन्होंने फार्मासिस्ट का जो डिप्लोमा कर रखा है तो उनकी जाँच के लिए टीमों का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों, आपकी जो फार्मासिस्ट वाली भर्ती है उसको लेकर अब सरकार सीरियस हो रही है, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरने पर बैठे हैं और अपना संघर्ष कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जी न्यूज़ की भी यह बहुत बड़ी अपडेट है, फार्मासिस्ट भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। दस्तावेज सत्यापन के लिए 20 टीमों का गठन इसमें किया गया है और फार्मेसी संस्थानों में जाकर भौतिक सत्यापन करेगी टीमें। तो खुद जाकर जो अपने जो डिग्री डिप्लोमा है उनके संस्थानों का भौतिक सत्यापन करेगी। पहले चरण में प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में जाकर करेगी दस्तावेज सत्यापन और दूसरे चरण में प्रदेश के बाहरी शैक्षणिक संस्थानों में भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तो दोस्तों, जो आपका अब जो प्रोविजनल लिस्ट है अब वो आएगी, तो उसमें सारी जाँच होने के बाद ही प्रोविजनल लिस्ट को जारी किया जाएगा, जिससे जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो ही प्रोविजनल लिस्ट में आने वाले हैं। तो दोस्तों, राजस्थान फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उसका ही ये नतीजा है कि सरकार जो फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनको सीरियस ले रही है और गंभीरता से लेकर सबसे पहले प्रोविजनल सूची फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों की जारी होनी चाहिए, क्योंकि बाकी कैडर के जो अभ्यर्थी उनकी जो प्रोविजनल सूची है वो जारी हो चुकी है, केवल फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों की प्रोविजनल सूची आना बाकी है। तो अब जो सत्यापन है उसके होने के बाद अगर प्रोविजनल सूची आती है तो उसमें लगभग वो फाइनल सूची ही इसके अंदर मानी जाएगी, और उसके बाद जो नियुक्ति की मांग इसके अंदर कर रहे हैं तो सारे कैडरों की जो नियुक्ति सूची है, फाइनल जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो भी आपको आगे देखने को मिलेगी। तो सरकार है जो राजस्थान चिकित्सा विभाग की भर्तियों को काफ़ी गंभीरता से अब ले रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलते हैं।